मध्य प्रदेश में आखिरी चरण के मतदान से पहले प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बिस्सा जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पठारी में चुनाव की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। विभिन्न पदों के उम्मीदवार द्वारा वाहनों में बैनर पोस्टर के साथ लाउड स्पीकर लगाकर प्रचार किया जा रहा है। वहीं कई प्रत्याशियों द्वारा लोकगीत भजन राय के माध्यम से मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की जा रही है। इसी क्रम में प्रत्याशियों द्वारा कई लोभ लुभावन वादे किए जा रहे हैं। तपती गर्मी के बावजूद प्रत्याशियों के जनसंपर्क अभियान में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। महिला प्रत्याशी भी अगले सुबह प्रचार के लिए निकल जा रही हैं। समर्थक के साथ निकली प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। सामूहिक बैठक के अलावा क्षेत्र के खास व आम लोगों से मिलकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं। सुबह से शाम तक प्रत्याशियों की बैठक का दौर जारी है। प्रत्याशी के करीबी बैठक खत्म होने के बाद दूसरी बैठक की तैयारी कर रहे हैं। प्रत्याशी तो प्रत्याशी, उनके करीबी भी विकास के बड़े बड़े दाव कर रहे हैं। वही मतदाता खामोशी से प्रत्याशियों की बातें सुन रहे हैं। इधर शहरी क्षेत्र के नजदीकी वाली पंचायतों के मुखिया व पंचायत समिति सदस्य के प्रचार वाहन पंचायतों में प्रचार न कर शहरी क्षेत्र में प्रचार करने लगे हैं। जगह जगह प्रचार वाहन खड़ा कर लोकगीत भजन राय के माध्यम से वोट मांगे जा रहे हैं। प्रत्याशी सुबह सबसे पहले उठकर मंदिरों में मस्तक नवाकर प्रचार की शुरुआत करती हैं। दिन रात एक कर रहे हैं, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, लगातार मतदाताओं को रिझा रहे हैं। नगर में इस समय ट्रैक्टर ट्राली जीप डीजे के माध्यम से प्रचार प्रसार चरम पर पहुंच चुका है। कुछ घंटों बाद प्रचार बंद हो जाएगा, जब जनसंपर्क बहुत तेज गति से चालू हो जाएगा। हर उम्मीदवार हर घर पहुंचने का प्रयास कर रहा है, परंतु मतदाता अभी भी अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। उम्मीदवार असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। समस्त मतदाता बंधु और ग्राम पंचायत वासियों को मेरा यानी अखिलेश पंथी पिंटू राखी, जो कि मेरी महिला प्रत्याशी है, उसकी ओर से मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज दो दिन तीन दिन पश्चात ही मतदान हो जाएगा, उसमें प्रचार प्रसार चल रहा है। मैं यस ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए मेरी पत्नी प्रत्याशी है, उसका नाम है राखी अखिलेश पिंटू पंथी। और इस चुनाव प्रचार में मैंने जो अपना संकल्प पत्र दिया है, उसमें मैंने 11 बिंदु रखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने शिक्षा को महत्व दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास शिक्षा है तो बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक आप उसको ले सकते हैं, यानी कि आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो बाकी चीज़ों की इतनी महत्वता नहीं रहेगी। फिर मैंने जो गरीब तबके के लोग हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत की इतनी विकास योजनाएं हैं वो ज़्यादातर गरीब तबकों के लिए आती हैं। पेयजल की समस्या को लेकर मैंने अपने संकल्प पत्र में काफ़ी अच्छे से वर्णन किया हुआ कि पानी की टंकी कहाँ बनेगी, जो निश्चित रूप से पानी की दो टंकियाँ उचित स्थान पर निर्माण किया जाएगा। और जहाँ पर पानी का जल भरा हो रहा है, जल भराव जहाँ पर हो रहा है, उसका निकासी के लिए नाली का निर्माण है या और कई पाइप डाल के उनका निकासी है, उस तरह की हर तरह की व्यवस्था मैंने अपने संकल्प पत्र में रखी हुई। और मेरा पूर्ण प्रयास है, सिर्फ मेरा एक ही संकल्प है, मेरा यानी कि राखी अखिलेश पिंटू पंथी और यहाँ पर समस्त जो पंचायतवासी हैं, उन्होंने मुझे ये सब सलाह और मशवरे से मैंने ये संकल्प पत्र बनाया था। मेरा सिर्फ एक ही संकल्प है कि मैं ग्राम पंचायत पठारी को मध्य प्रदेश की सर्वोच्च ग्राम पंचायत की श्रेणी में लाकर खड़ा करूं। यहां पर पूर्ण में भी कई विकास हुए हैं और मैं कई विकास कार्यों की सराहना भी करता हूं। और यहां पर जो भी कार्य अभी तक हुए हैं उन सबकी मैं बहुत बहुत सराहना करता हूं। पूर्व में जो सरपंच रहे उन्होंने भी काफी अच्छे विकास कार्य किए हुए हैं।